कम इन्वेस्टमेंट में एक अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो जुड़िए झारखंड बंगाल के एकमात्र मुढ़ी मेकिंग मशीन रोस्टर वर्कशॉप पर, जो कि काशीपुर स्थित तालजुरी पोस्ट गौरंगडी में स्थित है। यहाँ पर बेस्ट क्वालिटी की मुढ़ी मेकिंग मशीन उपलब्ध है। हमसे संपर्क करने के लिए नीचे दिए हुए फोन नंबर एवं ईमेल आईडी पर संपर्क करें। धन्यवाद। स्वागत है आपका स्टार सिटी 24 में। मैं धर्मशीला आपके साथ। आइए जानते हैं बिहार और झारखंड से जुड़ी खबरें। बस्ता कोला स्थित कोलियरी देव ग्रुप एलबी सिंह के नेतृत्व में कार्य शुरू हुए, करीबन 5 महीना हो गया है। यहाँ के लोगों का कहना है कि हम विस्थापितों को किसी को नियोजन नहीं दिया गया है। अभी तक यह भी आरोप लगाया है कि कहीं दूसरे स्थान के लोगों को यहाँ नियोजन मिल रहा है, लेकिन हम यहाँ बगल के हैं, रोज कोलियरी का प्रदूषण को अपने अंदर ले रहे हैं। धूल कणों से हमारे स्वास्थ्य पर भी असर पड़ रहा है, लेकिन हमें यहाँ कोलियरी के आने से कोई नियोजन नहीं मिल पाया। कहाँ के रहने वाले? हम दुआरी कोलबरी। तो यहाँ बंदी कराने का कारण है? यहाँ हमारा मतलब माँ बाप का सब मैके है यहाँ पर, ठीक है। हमारा भाई बंधु सब यहीं का है, हम लोग स्थानीय लोग हैं यहाँ का। यहाँ मेरा भी घर द्वार है, तो यहाँ पर हम लोग का मांग है। देखिए कंपनी जब से आई है तब से हम रोजगार का मांग कर रहे हैं। ऐसे लॉकडाउन का टाइम भी है, मजदूर लोग कभी हाजिरी का काम करने जाते तो रोजगार नहीं मिलता है। यहाँ गरीब लोग को रोजगार का देने का काम करें, इसलिए हम बंद किए जो हम लोग को रोजगार मिले। शांतिपूर्वक से हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो यहाँ कितना दिन हुआ माइंस आए हुए? इसमें हो गया है 1.5-2 महीना माइंस आया हुआ हो गया है। तो आप लोग कोई खबर नहीं हुआ इसका? नहीं, इसका देखिए खबर भी हुआ, प्लस बोले चल अपना आदमी है कुमनाथ भैया जी, हम लोग को रोजगार बुला कर देंगे। उस तरह से हम लोग को बलगला के मतलब रखे हुए हैं। कोई आश्वासन दिया गया था? नहीं, एक मरते शायद आश्वासन दिया गया था, डिलीवर का शायद कुछ मिला था हम लोग का संगठन के नाम से। तो इस हम लोग का कोटा में नहीं आया, यहाँ विस्थापित लोग का। अच्छा। वहाँ का लोग क्या हो रहा, बेचा जा रहा है रोजगार। जैसे बाहर का आदमी हो गया, बोलिए कटरास केंगुआ बगमारा, यहाँ का लोग नहीं, यहाँ का विस्थापित लोग को एक भी रोजगार नहीं लगा। कभी 20,000-25,000 करके लिया जा रहा है, यहाँ पर बाहर का आदमी को सिलेक्ट किया जा रहा है, और वो जो पैसे वाले ही को रोजगार मिल रहा है। अब बिना पैसा वाला को रोजगार नहीं मिल रहा है, ठीक है। इसलिए हम कुमनाथ भैया से यही कहना चाहते हैं, कुमनाथ भैया हम आपसे शांतिपूर्वक से वार्ता करना चाहते हैं, हमें रोजगार दे दीजिए, समझे ना। हमको रोजगार का भूखा है, छोटा छोटा बच्चा है, बताइए। यहाँ का विस्थापित लोग है, घर द्वार धूल मट्टी सब हम लोग खाते हैं, सब तरह से हम लोग निर्भर हो गए। हम लोग रोजगार नहीं, आप लोग आए हुए हैं, सबको रोजगार चाहिए। हाँ, सबको रोजगार चाहिए। हम लोग को बेरोजगार कोई रह सकता है? मान लीजिए कोई डिलीवर में दे दे, छोटा गाड़ी में दे दे, कुछ हेल्पर में दे दे, कुछ हो गया माइंस में काम दे दे। काम तो माइंस में बहुत तरह की होती है, आदमी चाहे तो हम ही लोग को विस्थापित लोग को काम दे सकते हैं। और मैं SDO साहब से भी कहना चाहते हैं, SDO साहब से ये कहना चाहते हैं, पहले आप रोजगार लगाने का काम करते हैं। चाहे DM को कहना चाहते हैं, यहाँ का आधार कार्ड विस्थापित लोग को देख के लीजिए, तो आधार किसका आ रहा है डॉक्यूमेंट, यहाँ का लोग है कि बगमारा का लोग है कि केंदुआ का लोग है, कहाँ का लोग है। बस यही आधार कार्ड चेकअप कीजिए, तब हमसे आप बात कीजिए। इससे तो हमको रोजगार देने का काम करवाइए, वो भी आधार कार्ड के, जो यहाँ का लोग है कि नहीं, विस्थापित है कि नहीं। तो ये आप लोग कितना देर तक बंद रखेंगे? हम लोग देखिए जब तक हम लोग को रोजगार नहीं मिल जाएगा, जब तक हम लोग को रोजगार नहीं मिलेगा तब तक हम लोग ये अपना मतलब धरना प्रदर्शन देते रहेंगे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। बिहार और झारखंड से जुड़ी खबरें जानने के लिए बने रहिए स्टार सिटी 24 के साथ। धन्यवाद।